आज मैं आपको, मैंने जो बच्चों के स्वेटर, किड्स स्वेटर की एक सीरीज सी शुरू की है, पता नहीं उसमें कितनी डिजाइनें आएंगी, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मुझे आती है या जो मैंने किसी से सीखी है आपको भी, आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये देखिए, दो कलर इसका कलर कॉम्बिनेशन पर्पल और पिंक बहुत प्यारा लग रहा है। इसे आप एज ए बॉर्डर भी यूज कर सकते हो, और जैसे बच्चों की कैप है तो कैप में एक पट्टी बॉर्डर की जैसे स्ट्रिप्स दे दो, और उसके बाद प्लेन बना सकते हो। और इसके बनाने के लिए ऑड नंबर में फंदे डालो तो सेटिंग अच्छी आती है। ये पैटर्न बनाने के लिए मैंने 21 फंदे डाले हैं, और रॉन्ग साइड में इसमें बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको बनाने के लिए देखो आपने कैसे बनाना। इसमें मैंने आपको एक चीज और दिखानी है कि सलाइयों का ऊन का कितना फर्क पड़ता है। ये नीचे देखिए, मैंने मोटा ऊन है, ऊन बहुत मोटा भी नहीं है, 2 प्लाई का है। प्लाई कैसे देखते हैं, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे आप करोगे। इसमें दो धागे लिपटे हुए हैं, जैसे देखिए दो धागे दिख रहे हैं थ्रेड, ये दो धागों को बाइंड करके एक बनाया गया है। तो ये 2 प्लाई का है, ये देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा होगा ये ऐसे। तो ये सलाई का, अगर राइट कॉम्बिनेशन में सलाई ऊन के साथ ना यूज की जाए तो उसका कितना फर्क पड़ता है। देखिए नीचे के जो ये जो दाने हैं, साबुदाने जैसे आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, ऊपर थोड़ा बड़े बड़े दिख रहे हैं। नीचे मैंने पतली सलाई यूज की थी, मैंने 9 नंबर की सलाई यूज की थी, तो ये पतला दिख रहा है। ये मैंने 6 नंबर की सलाई यूज की है, तो देखिए दाने थोड़े उभरे हुए और मोटे मोटे दिख रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमेशा, और कई बार क्या होता है, कोई पूछता है कि इतने साल के बच्चे के लिए कितने फंदे सफिशियंट होंगे, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि किसी का हाथ टाइट चलता है, किसी का हाथ ढीला चलता है, तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। कि कोई 90 फंदे डालता है उसके सफिशियंट हैं, किसी के 95 फंदे भी कम पड़ जाते हैं। तो हाथ, ऊन और सलाइयों सबके हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो कोई एक वो नहीं है। जब आप एक दो स्वेटर बना लेते हो तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है। इसको बनाने, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 21 फंदे डाले हैं, ऑड नंबर में फंदे। फंदे डाल के एक सिलाई आप सीधी उल्टी बना लो, उसके बाद देखो आपने कैसे बनाना है। ये पिंक पहला फंदा आप ऐसे सीधा, इसमें सीधा ही बुना जाएगा। ये फंदा गिर गया, इसे मैं सीधा सही कर लू। ये देखिए सीधे जैसे बुनते हैं, ये ऐसे सीधा बुन लिया और ऊन आगे किया, और इस फंदे को ऐसे उतार लिया और फिर ऊन आगे करके, ये जो देखिए पिंक और पर्पल से बना है ना, इसको दोनों, जो पिंक वाले दोनों फंदे हैं इसे आप ऐसे सीधा बुन लोगे, और जो पर्पल फंदा है जब ये आएगा तो ऊन आगे करके इस पर्पल वाले को आप बिना बुने ऐसे इस सलाई पे उतार लोगे, और फिर ऊन आगे करके इसे आप पिंक वाले को बिन लोगे, फिर ऊन आगे करोगे पर्पल वाले को बिना बुने उतार लोगे, फिर ऊन आगे करके पिंक वाले को सीधा बुन लोगे, फिर ऊन आगे करोगे पर्पल वाला बिना बुने, रॉन्ग उल्टा फंदा जैसे बुना जाता है उस डायरेक्शन में सिलाई पे उतार लोगे बिना बुने, और ऊन आगे करके फिर आप इसे ऐसे बुन लोगे, फिर ऊन आगे करोगे पर्पल वाला उल्टी डायरेक्शन में सिलाई पे बिना बुने उतार लोगे, ऊन आगे करके पिंक वाले को सीधा बुनोगे, फिर ऊन आगे ऐसे ऐसे ही आप पूरी सिलाई बुन लोगे। ये ऊन बिना बुने ऐसे उतारोगे ऐसे करके, और इसे उल्टा बिन लोगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बिन लोगे। बस यही उल्टी इस तरफ ये ध्यान रखना है, ये बिना बुने ऐसे पिंक वाले को सीधा बुनोगे, ऊन आगे पर्पल वाले को बिना बुने ऐसे उतार के फिर ऊन आगे किया, और ये लास्ट में दो पिंक जो हैं इन्हें आप फिर आप नेक्स्ट सिलाई में आओगे। नेक्स्ट सिलाई में आपको क्या करना है, अब जो आपने पिंक वाला ऊन था, देखिए अब आपको दूसरा कलर पर्पल बनाना है। ये 2 कलर में बना हुआ है, ये साबुदाने जैसा दिखाई देता है, और बच्चों के भी स्वेटर में बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं टाइट टाइट सी बुनाई की शो खत्म हो जाती है। ये पर्पल कलर के बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहला फंदा आपने पिंक वाले को पर्पल बुनना है, तो पिंक को ऊन आगे कर लोगे और ऐसे बुने को पहला सीधा ही बुनना है, और पिंक वाले को बिना बुने ऐसे उतार लेना है, फिर इसे टाइट कर लीजिए, फिर पर्पल और पिंक वाले को, उधर आपने पिंक बुना था इधर आपने पिंक नहीं बुनना है, फिर इसे पिंक वाले को ऐसे उतार लोगे बिना बुने ही,
और पर्पल बुन लोगे, पिंक बिना बुने और पर्पल ऐसे ऐसे ऐसे, पिंक वाले को बिना बुने उतारा था और पर्पल बुन लोगे ऐसे ऐसे, ये 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 ऐसे, बिना बुने पर्पल बुनेंगे, बिना बुने और ये पिंक को पर्पल बुनेंगे, फिर ऐसे हो गया। और रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से देखिए, ये ऐसा दिखता है और सीधी तरफ से ये ऐसा दिखता है। और बस ये देखना, उधर आपने पिंक, इधर इस तरफ आपने पिंक बिना था, इधर आपने पिंक उतारना है। ये अब इस तरफ आपको क्या करना है, सेम जैसा आपने पहले किया था, पर्पल वाले को ये सीधा बिनना है, रॉन्ग साइड भी सीधा ही बिनना है, ऐसे सीधा ऊन आगे किया और पिंक वाले को ऐसे बिना बुने उतार लिया, फिर ऊन आगे करके पर्पल को आपने सीधा बुन लिया, ऊन आगे किया पिंक को बिना बुने उतारा, फिर ऊन आगे करके पर्पल को सीधा बुन लिया, ऊन आगे पिंक को बिना बुने उतारा, ऊन आगे कर लिया फिर और वे बिन लिया ऐसे, ये पिंक वाले को उतारा, ये ऊन आगे और फिर पर्पल को बिन लिया, ऊन आगे पर्पल को, पिंक को बिना बुने उतारा, ऊन आगे पर्पल बिन लिया ऐसे। ये देखिए इसी तरह आपको पूरी रो बुननी है। ये देखिए उभरे उभरे मोटे मोटे दाने आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। इसे आप स्ट्रिप्स में, खड़ी लाइनों में, आड़ी लाइनों में, आप जिस तरह से सेटिंग कर लो, आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। छोटी छोटी स्क्वायर, जैसे इतना स्क्वायर डिजाइन का डाल दिया, इतना प्लेन डाल लिया, ऐसे जैसे भी आपको सूट करे आप वैसा बनाओ, देखो लुक वाइज कितना सुंदर दिखता है, आगे से ऐसे और पीछे से ऐसे। आप इसे ट्राई करिए, अपना कलेक्शन रेडी रखिए, विंटर्स आने वाले हैं, अभी तो गर्मियां हैं, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो चैनल को वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।